बिजनौर में नोटरी वकील के ऑफिस में घुसकर की युवकों ने मारपीट, हमलावरों ने ऑफिस में रखा कंप्यूटर और सामान भी तोड़ा। मारपीट की घटना का सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। वकील साहब, आज जो आपके साथ सुबह मामला हुआ है वो क्या मामला है? मैं किरतपुर में किरतपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इलीस एडवोकेट है। मैं पिछले 30 साल से वकालत का कार्य कर रहा हूँ। 15 साल से मैं नोट एडी एडवोकेट हूँ। मेरी एक ऑफिस है बस स्टैंड पर तकिया वाली मस्जिद की कब्रिस्तान की दुकानों में, जो कमेटी से मैंने किराए पर ले रखा है। मैं सुबह 8-11 बजे में जब ऑफिस बैठा आकर के, तो फरीद जो पुत्र फरीद अशरफ पुत्र फरीद, अनवर पुत्र फरीद और दो अज्ञात व्यक्ति ऑफिस में आए और उन्होंने आकर के मुझे उल्टी सीधी गाली देना शुरू कर दी और मेरा सामान जबरदस्ती उठा के फेंकना शुरू कर दिया। मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या बात है? तो बोले कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, दुकान खाली कर, दुकान हम ले गए। तो ये कहकर उन्होंने सामान देखना शुरू कर दिया। मेरा मोबाइल उठा के ले गया लड़का, हो मेरे साथ तमाम मारपीट करनी शुरू कर दी। मुझे बहुत मारा, मैंने काफ़ी उनसे मना करा कि मुझे मत मारो, बहुत मारते रहे। फिर पड़ोस के कुछ लोग आ गए जिन्होंने मुझे बचाया। उसके बाद मैं उनके खिलाफ एक तहरीर देने थाने गया, तो कस्बा शहर इंचार्ज ने न तो मेरी तहरीर ली और मुझे 151 बंद करने की धमकी देने लगा। मैंने उनसे कहा कि एक तरफ बैठ जाओ, इस तरह तुम्हारा चालान करवाना चाहिए, तुम वो करते हो। मैं पीड़ित व्यक्ति को भी वहाँ पर कोई रिलीफ नहीं मिला। मैंने कहा मेरा मेडिकल तो करा लो, मेरे चोटें लगी हुई, तो उन्होंने मेडिकल कराने से भी मना कर दिया।